यहाँ पे अगर सुसु सुसु के बीच में अगर शेर आ जाए तो क्या होगा? सुसु तो रुक जाएगा, साथ में सांस भी रुक जाएगा। हे गाइस व्हाट्स अप। आप लोग सोच रहे हो ऐसे अंधेरे में हम लोग मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? भाई साहब ये अंधेरा नहीं हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं, एकदम भोर बेला जिसको बोलते हैं उसमें। रीज़न ये क्योंकि हम निकल रहे हैं अपनी लायन सफारी के लिए। हमने जो स्लॉट बुक किया है वो है 6 to 8 वाला स्लॉट, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और अपनी लायन सफारी हम भी देखेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराने की कोशिश करेंगे। और रीज़न कि हम 5 बजे निकल रहे हैं क्योंकि हम जिस रिसॉर्ट में वन विहार में रुके हैं वो यहाँ से और वहाँ से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर दूर है, तो 13 किलोमीटर के हिसाब से ऑलमोस्ट आधा घंटा तो हमको लग ही जाएगा। तो इसीलिए यार मैंने सोचा कि यार टाइम से हम लोग निकलें, 4 फैमिलीज़ हैं, सुबह उठना और वो तो ऑलमोस्ट सब तैयार है, बस अब 5 मिनट या 10 मिनट में मैक्सिमम हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं सासनगीर वो हमें करने का मौका मिलेगा। सुपर एक्साइटेड यार। जो यहाँ का जो बुकिंग ऑफिस है जिसको सिंह सदन बोलते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। एक क्विक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पहले तो एक ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है सफारी का, जिसका साइट का जो लिंक है वहाँ नीचे आ रहा होगा, उसमें आपको 1000 रुपीज़ का इसका बुकिंग है एक वैन का। एक वैन में यह मैक्सिमम 6 एडल्ट्स आपको अलाउ करते हैं एंड 1 चाइल्ड, मतलब टोटल 7 इंक्लूडिंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन। तो हमने 3 वैन्स बुक किया है। अब यहाँ पर वैन का शायद 3000 रुपीज़ या ऐसा कुछ है, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कितने प्राइसेस हैं, कि एक वैन और जो टूर जो गाइड होगा उसका भी अलग शायद होता है। तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन अभी नेक्स्ट स्लॉट में मैं देता हूँ। बाकी भीड़ देखो यहाँ पर संडे की। क्विक अपडेट, हमको हमारे जीप्स अलॉट हो गए हैं। हमने 3 जीप्स में सेपरेट लिया, जो कि मैंने बोला कि हम लोग 16 लोग हैं एंड यहाँ पर जीप का जो चार्ज है वो 2400 है एंड जो मेरा ये जो GoPro है जिससे कि आप लोगों को भी फुटेज मिलेगा उसका 200 रुपीज़ ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। प्लास्टिक का बॉटल्स आई डोंट नो वेदर इट इज़ अलाउड और नॉट, बट उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा बिकॉज दे हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन सीरियसली यू नो चलो चलो ऑन They have become very strict on this littering and loitering. लो मैडम चलो चलो, विनय भाई आ रहे हैं। हाँ लो, ये पानी के लिए वाटर कियोस्क है, लई लू छू। हाँ ये वाटर कियोस्क है, यहाँ पे प्लास्टिक के बॉटल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे आपको अपने गाइड के साथ में लेके आना पड़ेगा, वो उनकी एंट्री करेंगी मैडम और ये मैडम आपको पानी देंगी। पानी का एक बॉटल का चार्ज है 10 रुपीज़। ये हमको हमारा जिप्सी अलॉट हो चुका है और हमारे जो जो हमको स्टीयर करेंगे वो है आकाश भाई ना, अने विजय भाई, ये दोनों हमको गाइड करेंगे और स्टीयर करेंगे। ये हम निकल चुके हैं, हमारी सवारी स्टार्ट हो चुकी है। बजरों को कैप चले पकड़ लियो। हाँ, बोल रहे कैप पकड़ के रखना या टाइट से बांध के रखना, हवा बहुत चलेगी। और ये हम निकल चुके हैं, भाई गॉड ऐसा लग रहा है जैसे हाथी पे नहीं सवार हो, ये ऊंचे एकदम बैठे हुए भाई साहब। रूफ ही नहीं है इस गाड़ी में और जो सीटिंग पोस्चर है क्या कमांडिंग पोजीशन है भाई साला। तुम एक्सी वो फॉर्च्यूनर बैठो ना उसमें भी वो मजा नहीं है जो यहाँ पे है। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा। और ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, ओहो पसीने में ठंडी हवा, मजेदार। तो भाई लोग मजे कर रहे हो कि नहीं? एक्साइटेड आज भैया, आज लायन के साथ साथ उसका पूरा परिवार देखेंगे, हमको देखना ही है आज। आज हम पॉजिटिव फीलिंग लेके निकले हैं। हम ऑलमोस्ट एंट्री पे ही है, हमारा जो रूट है वो यहीं रूट से एंट्री होगा और यहीं से एग्जिट होगा और अंदर विजय भाई घुमाएंगे हमको।
ये ऑलमोस्ट जो आपका जो सी सदन है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें ऐसे दिए हैं कि पहला वॉलेट आप जो पीछे के पर्स साइड में रखते हो उसकी जगह आप आगे रखिए या अपने बैग में रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से निकल सकता है। दूसरा, फ़ोन आपको सीट पर नहीं रखना है क्योंकि जो दरारें हैं साइड में उससे वो फ़ोन गिर सकता है। तो सुपर एक्साइटेड यार, अभी से जो बोलते हैं ना वो मिस्ट्री और वो सस्पेंस बन रहा है और थ्रिल बन रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। बने रहना, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। हमारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है और क्या फीलिंग आ रहा है यार। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे गाइड विजय भाई ने हमको बताया वो है कि यहाँ पे टोटल 13 रूट्स हैं जो कि अलॉटेड होते हैं, और एट एनी टाइम एट वन स्लॉट, जैसे हमारा 6 to 8 का स्लॉट है, तो यहाँ पे उसमें 50 से 60 गाड़ियों के बीच में ये लोग है ना घुसाते हैं, और हर रूट में मैक्सिमम 6 to 7 गाड़ियाँ ये लोग अलाउ करते हैं ताकि शांति बने रहे, बहुत ज़्यादा हो हल्ला ना हो, शोर शराबा नहीं हो, ताकि आपको जानवर की साइटिंग भी। और साइटिंग से ध्यान आया, ये देखो यार रास्ता, टेरेन एकदम प्योर जंगल टेरेन, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, ये अपने आप में बहुत अनोखी चीज़ है यार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है अंदर से, मतलब मस्त फीलिंग आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों पहना है। मैंने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत उड़ती है, तो वो आपको कंजेशन हो सकता है, इसलिए मैं मास्क पहना हुआ है। विजय भाई ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, एक इन्फॉर्मेशन दिया कि लायन सुबह के टाइम में रोड पे आपको चलता हुआ या साइड पे चलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये सुबह के टाइम में इसको ये रास्ता पसंद है और आवाज़ नहीं हो इसलिए। जंगल के अंदर जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हो लायन के पगबाई, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है सांप, ये उसकी उंगली है ना चार, वो आगे की तरफ गया है। ओ नाइस, यस 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 यस, हमने लायन के फुटप्रिंट्स देख लिए। यहाँ पे जो लायंस हैं वो ऑलमोस्ट 700 लायंस के आसपास यहाँ पे इनकी जनसंख्या है, लेपर्ड्स भी 600 से ऊपर है और 1 लाख से ऊपर हिरण है, इसलिए भैया लायन को खाने की कोई कमी नहीं है। और लंगूर वंगूर तो दुनिया भर के हैं, मोर वोर सब है, इसलिए लायन को खाने की कमी नहीं है। और यहाँ पे जो एक लायन होता है ना, जो अल्फा लायन, उसकी ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर की एक टेरिटरी होती है, तो यहाँ पे सारे मतलब उतने किलोमीटर में वो लायन का वो एरिया होता है। बहुत गजब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विजय भाई। यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 से 40 प्राइड्स हैं, और इसमें आप ऐसा बताएं कि एक जो मेल लायन होता है ना उसके अंडर 5 फीमेल्स होते हैं। एक से ज़्यादा लायन तभी एक प्राइड में होंगे जब व्हेन दे आर ब्लड रिलेटेड, मतलब जिसको बोलते हैं ना सगे भाई और बचपन से एक साथ हो। हमारा ये जो टूर है ना, ये 32 किलोमीटर्स का एक टूर होगा। आकाश भाई हमारे गाइड हैं, विजय भाई हमारे राइडर हैं, ड्राइवर हैं। आकाश भाई गजब इन्फॉर्मेशन दे रहे, बहुत मज़ा आता है। बड़ी एम्बुलेंस के अंदर है ना शासन के ले जाएंगे, वहाँ पर 15-20 दिन 25 दिन रखेंगे, जब तक उसका घाव लेना वो हिलना हो जाए, तब तक हिल होने के बाद क्या है डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, अभी यह ठीक हो चुका, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ। उसको जिस इलाके में से लिया है ना उसी इलाके में छोड़ देंगे, और दूसरा यूनिट नहीं है तो ये लोग ना पूरा दिन है ना उनके अगल बगल में रहेंगे। क्या है कि 50-60 है ना गाँव बोकलो होता है। ओके। और इनका मेन जो है ना, हाँ, मिलता बिजनेस होगा दूध का। किसका? दूध का। हाँ जी। हाँ, सुबह शाम है ना मिल्क कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आएगा। आकाश भाई ने एक और मस्त इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे जो गिर जो ये जंगल है इसके अंदर 52 विलेजेस हैं, जिसके हर विलेज के अंदर ऑलमोस्ट 2-3 फैमिली शायद रहती है। कितना विजय भाई? चार पांच फैमिलीज रहते हैं, और इनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क। यहाँ पे हर रोज डेयरी की गाड़ी आती है और ये लोग जो मिल्क जो प्रोक्योर करते हैं वो ये वहाँ पे बेचते हैं, और ये लोग यहाँ पे जब तक चाहे, इनको राजा के हाथ द्वारा ताम्रपत्र दिया हुआ है कि ये लोग को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता अनलेस एंड अनटिल ये खुद यहाँ से निकलना चाहे। भाई जानवरों के शेर के बीच में रहना अपने आप में भाई वो बहुत जिगर वाली बात है, और इनके लिए एकदम नॉर्मल है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा मस्ती से चरा रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है आएगा नहीं आएगा, उनको पता है कि लायन का नेचर कैसा है।
आकाश भाई ऐसा बोलते हैं कि लायन सबसे रॉयल एनिमल है, वो तुमको ऐसे उसका ईगो पे आएगा तो ही तुमको मारेगा, अगर उसको तुमसे डेंजर होगा तो ही वो तुम पे अटैक करेगा, नहीं तो वो कभी अटैक नहीं करेगा। हमको लायन दिख गया गाइस, लायन की स्पॉटिंग हो गई। अच्छा तभी ये लोग बैठे हुए हैं ट्रैकर्स। ये ट्रैक वाले सब गाड़ियां आ गई है भाई, लायन दिख गया हमको। अनिका बच्चा लोग लायन दिखा के नहीं दिखा, मजा आया कि नहीं? तो कैसा मुंह सड़ा हुआ बना के ये हमें क्रोकोडाइल दिख गया सामने। ये आपको ये सामने ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्रोकोडाइल का स्नाउट, और ये बगल में उसके टॉर्टोइज जो है ये मजे ले रहे हैं। वो बोला कि हमको नहीं खाना है तुमको, तुम मजा करो, हम तुमको नहीं खाएंगे। चला गया। ये हमें एक दो मिनट का स्टॉपेज इस एरिया में मिला है, यहाँ पे रिक्रिएशन और आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो वहाँ इन्होंने एक फैसिलिटी बनाई हुई है फॉर ऑल द टूरिस्ट्स एंड ऑल। जंगल के बीच में भैया, यहाँ पे अगर सुसु के बीच में अगर शेर आ जाए तो क्या होगा? सुसु तो रुक जाएगा, साथ में सांस भी रुक जाएगा। ये हमारा वाघ कपल भी आए, ये हमारे दो कपल्स, दो ग्रुप हमारा। ये बहुत खुश हो रहे काहे के लायन एकदम स्पॉटिंग हो गया, एकदम मस्त वाला। लेपर्ड स्पॉटिंग के लिए देखो, यहाँ पे इनके पास लेंसेज, देखो लेंसेज का हुंहार, एंथुजियास्ट इनको बोलते हैं। यहाँ पे ना यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज्ड है ना कि आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर। अनिका धीरे बेटा, फीमेल तो बहुत सारी मिलेंगी। क्यूट है ना, देखो आपके पास आ रही है, एक कैंगरू के जैसे भी लग रही है फेस वाइज। वो देखो एक और गांव है शायद, नहीं ये लोग बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर।
इनका 6-7 पीढ़ी निकल चुका है यहाँ पर। एनिमल के क्या है कि मूवमेंट के बारे में जानते हैं, इनको पता है कि कब लायन आ जाएगा। हाँ, इनको पता है कि कब लायन। ये लोग यहाँ पे हैं, लायन कभी भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं रोज भी आ जाते हैं। इनको पता है कि लायन आ रहा है, क्या बनना है, क्या नहीं करना है, इनको पता है। नहीं, उनके ना मूवमेंट के बारे में जिनको भी पता है ना, उनके साथ ऐसा कोई चीज़ है भाई। क्योंकि यहाँ पर लोकल है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्राइबल लोग हैं, सब लोग क्या है कि यहाँ पर है ना, कोई है ना लायन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लायन को डिस्टर्ब करो तभी वो मार, रेडियम की तरह चमकता है, स्किन निकल रही है उसकी। हाँ, पेड़ वही तो बता रहे, वो कलर चेंज करने वाला पेड़ है। फाइनली वी आर बैक गाइज, बहुत मज़ा आया, और मज़ा इन लोगों की वजह से आया। अपने भाई हाँ, आकाश भाई और विजय भाई, इनकी वजह से आया। किसी को अगर स्पेसिफिकली इनको अगर कांटेक्ट करना हो तो भी मैं इनका नंबर भी लेके डाल दूंगा। बहुत अच्छे से इन्होंने हमको दिखाया, सारी चीज़ें बताई, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया, इट वॉज़ वेरी गुड। और साइटिंग्स तो आप लोगों ने देख ही ली, हमने मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज़ की भी हमने साइटिंग कर ली, तो यहाँ का तो मामला पूरा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच विजय भाई, बहुत मज़ा आया। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से अब विदा लेने का टाइम आ गया है हमारा। मन नहीं कर रहा है यार जाने का, इतनी पीसफुल जगह है, इतनी मस्त जगह है, लेकिन यार निकलना तो पड़ेगा क्योंकि ट्रेन पकड़नी है। हमारी रात की ट्रेन है 10 बजे की, अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30, आधे घंटे में यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सोमनाथ वेरावल पहुँच के फिर आगे देखेंगे, तो अभी थोड़ा चेकआउट करवाते हैं, फिर आप लोगों से आराम से बात करते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यू कैन डेफिनेटली विजिट। एड्रेस और लोकेशन तो सब आ ही जाएगा, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, है ना। तो चलते हैं फटाफट चेकआउट करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। अंतिम पड़ाव, आई मीन कि अब बस अब हमें स्टेशन पहुंचना है। बट मैं टाइम इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि किसी भी टूर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं जो आपके साथ जो ट्रैवल पार्टनर्स होते हैं, जिन्होंने जो आपको लेके जाते हैं, जो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो आपको कम्युनिकेट कराते हैं, या जो मतलब ट्रांसलोकेट कराते हैं। अगर उसमें अगर वो लोग अच्छे मिले ना, तो आपकी जो जर्नी होती है वो मेमोरेबल होती है। ऐसा ही अपने साथ हुआ, और उनसे मैं मिलाना चाहूँगा। मयूर भाई आओ, ये हमारे ट्रैवल पार्टनर है मयूर भाई, इनका ट्रैवल एजेंसी है, उसका अभी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे फ़ोटो आ रहा होगा। आई वुड से यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंट्स, एंड आई कैन यू नो एश्योर यू, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर इनका सर्विस ले गए ना, मज़ा आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनके सर्विस का ये है कि ये खुद ओनर है अपनी कार के, और ये खुद ड्राइव करते हैं भाई साहब। ये और इनके फ्रेंड हरपाल भाई, भाई दो लोग थे, हम लोग दो अर्टिगा हमने इनके साथ हायर किया था। रेट्स वर वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड इनका गारंटी है कि ये सोमनाथ में टॉप 3 जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो मतलब ये रेंटल्स होते हैं, उसमें इनका नाम आता है। और एक्सपीरियंस वाइज इतना मज़ा आया यार, ये भाई को हमने जहाँ बोला ना कि यहाँ रोको, जितनी देर बोला यहाँ रोको वो वहाँ रोका, जहाँ बोला कि है ना यहाँ पे हमको ये करना है वो सब हमको घुमाया। इनफैक्ट अगर हमारा मन नहीं भी होता था तो ये बोलते थे कि साहब यहाँ पे है ना एक पॉइंट अच्छा है, वो आपको दिखा देता हूँ, आप देखो आपको मज़ा आएगा। तो इनका ट्रैवल एजेंट है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनके सर्विसेज यूज़ करिए, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड मयूर भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फाइनली यार ये अपने साबरमती स्टेशन हम पहुंच गए। ट्रेन एक्सपेक्टेड टाइम से आधा घंटा लेट थी,
फिर जो हमारे जो कैब्स थे वो किसी और स्टेशन पे 2 किलोमीटर पार्क थे, तो हमें आधा घंटा और वेट करना पड़ा है, पसीने में हालत ख़राब हो गई। बट एनीवेज ट्रिप अब ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा। बहुत 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 फन किया, बहुत मज़े किए, बहुत बॉन्ड्स बनाए, खूब एंजॉय किया। ये पीछे ये लोग जो दो तीन हमारे ये जो महान प्रभु दिख रहे हैं, आओ आओ प्रभु इधर आओ, ये हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज़ माई फैमिली। इनके बिना ये ट्रिप पॉसिबल ही नहीं हो पाता यार। मतलब जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कहाँ पे क्या सेटिंग करना है, वो सब हम लोगों का सेटिंग हम ही जानते, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन यार खूब मज़े किए यार इन लोगों के लिए। तो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। देखा हमारे भाई। चलो मिलते हैं दोस्तों, एक नए व्लॉग में मिलूँगा और एक नए एक्साइटिंग लोकेशन के साथ मिल सकता हूँ, कोई एक्साइटिंग नॉलेज के साथ मिल सकता हूँ, पर मिलूँगा ज़रूर, बने रहना वीडियो।